मेरा नाम अमन समीर है और मैं मावन डिस्ट्रिक्ट मेरठ से आया हूँ। मेरा जो नंबर है ये आईज का एक राइट साइड 4.5 और 3.5 है। मुझे दिक्कतें काफ़ी आ रही है वो कंप्यूटर वर्क में आ रही है। एक्चुअली मोस्टली जो है मेरा वर्क मोस्ट ऑफ कंप्यूटर का ही है, तो मुझे काफ़ी देर तक मतलब कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा देर तक मतलब बैठ नहीं पाता हूँ। मेरी आंखों में तो एक धुंधलापन सा नज़र आता है, तो मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए। जो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है सिल्क सर्जरी, वो जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मेरठ, उधर शायद अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, उधर मतलब वहाँ तक नहीं पहुँची। मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये डॉक्टर राहिल सर यूट्यूब पे मैंने सुना इनका नाम भी और काफ़ी मैंने इनके वीडियो देखी, मैं काफ़ी इंप्रेस्ड भी हुआ। तो ये जो टेक्नोलॉजी ICM हॉस्पिटल में मैंने देखी है या सुनी है वो उधर नहीं है अभी हमारे उधर। तो मैंने काफ़ी जो डॉक्टर राहिल सर हैं इनके बारे में काफ़ी सुना भी है और देखा भी है, तो मैंने इसलिए ये चूज़ किया ICM हॉस्पिटल। मैं चाह रहा था कि अच्छा मुझे एक हॉस्पिटल मिले ताकि मैं आपसे अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकूं। तो ये जो लेटेस्ट इधर टेक्नोलॉजी आई है कॉन्ट्रा वगैरह और उससे भी ज़्यादा बेटर है सिल्क, तो इसमें जो है ये कॉन्ट्रा ये इसमें फ्लैप बनाते हैं वो, और जो है ये सिल्क में ये फ्लैप लेस होता है, तो मैंने इसलिए इसको चुना ताकि इसमें काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी सुने हैं मैंने। प्रॉब्लम तकरीबन मैं 15 ईयर्स से फेस कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी मतलब दिक्कत ही आई बीच में, तो मैंने लास्ट बस ये फाइनली सोच लिया कि मुझे जो है ये सिल्क सर्जरी करानी है चश्मा रिमूव कराने के लिए। ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? एक बार चश्मा हटा दो, एक बार नीचे देखो नीचे, ठीक बढ़िया। हल्का सा जो रेडनेस जो है ना वो एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके। एक बार ऊपर से रीड करना है, एक बार FRHKCPVGTZEUSPCR गुड THFVKZ वेरी गुड RSECU काफी अच्छा विजन ऑलरेडी आ गया है आज, अभी थोड़ा सा और साफ हो जाएगा हफ्ता 10 दिन में जब छोटी मोटी सूजन हमारी ठीक होगी। काफी अच्छा रहा रिजल्ट। नहीं, अभी और अच्छा होएगा, आज तो फर्स्ट डे है ना। yes, अभी थोड़ा सा दो तीन दिन और दो सूजन वूजन जाएगी और परफेक्ट होएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर यू फॉर योर कॉल। आई विल वेट फॉर यू 15 डेज वन फॉलो अप। एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेस्ट रहा। बिफोर ऑपरेशन मतलब जो है काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही थी मेरे साथ में। मैं चश्मा यूज़ करता था पहले और अभी तो बस पूछ रहा बिल्कुल क्लियरिटी है, बेस्ट एंड बेस्ट है बिल्कुल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहले चश्मा भी यूज़ करता था या नहीं, बिल्कुल बेस्ट है अभी। जब ऑपरेशन के जो OT में जाने से पहले मैं तो एक थोड़ा सा हाइटेशन फील कर रहा था, पता नहीं क्या होगा अंदर किस तरह से होगा, पर जैसे मैं मतलब अंदर गया OT के अंदर ऑपरेशन के लिए, तो उसके बाद तो कोई सब कुछ नॉर्मल था, मतलब काफ़ी अच्छा बिहेवियर था सर का भी और जो स्टाफ है उनका भी काफ़ी बेटर बिहेवियर था। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि OT के अंदर हूँ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हूँ ऑपरेशन के लिए। पेन की तो उसमें कुछ मतलब कुछ ऐसा है नहीं जो पेन में जरा से भी मतलब महसूस हो। सर ने इतना अच्छे से मतलब कॉपरेट किया, इतना अच्छे से सर्जरी की है, काफ़ी बेस्ट की है मतलब, तो पेन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए ऑपरेशन कर दिया, बस ऑपरेशन के बाद बाहर आया बस नॉर्मली चश्मा पहना है ब्लैक वाला, सब कुछ नॉर्मल, पर कोई परेशानी वाली कुछ ऐसी बात ही नहीं है। मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं और भी हैं, मैं सभी को जो है रिकमेंडेड करता हूँ कि वो एक बार यहाँ पर आएँ ICM चौधरी आई सेंटर में, और एक बार सिलेक्शन लें और डॉक्टर राहिल सर से मिलें और वो इधर अपना ऑपरेशन करा सकते हैं एक बार। और मैं लास्ट में जो है डॉक्टर राहिल सर को और उनकी जो टीम है सपोर्टिंग टीम, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा ध्यान रखा और हर चीज़ में सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर राहिल सर एंड स्टाफ।